काली कर दी है। क्लासिक जो गाड़ी है पहली तैयार हुई है इंडिया की। बॉडी से बाहर कितना है एंड उसके बाद ये लाइट कॉस्ट बताओ। कॉस्ट आपको पता है क्या बात है जो ये चीज मुझे दिख रही है ना। तो गाइस अब कर लेते हैं असली बातचीत। सिर्फ सिस्टम चलाने के लिए एक्स्ट्रा बैटरी लगाएगी ये। साइज डिफरेंस देख सकते हो। ओ भाई ना ना कल बाहर लेकर गया था इसको, कपड़ा जो है वो दिया नहीं है, चाबी ये रूम पे रखने गया था, ये बिना रखे रूम पे आ गया हूँ। आज है संडे पर संडे का प्लान जो है आज ऑफ रोड का नहीं है। बाकी तीनों गाड़ियां जो आप वो देख रहे हो तो एक्चुअली ये गाड़ी आकाश ने लाई थी। तो चलो ठीक है फिलहाल निकलते हैं, थार लेके ही जा रहे हैं। क्या आज के सीन्स है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब क्या है आज के सीन्स वो सारे कंटिन्यू करते हैं। तो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। तेल डलवा के भैया जी। और सुनाओ कैसे क्या हाल चले। ठीक हो? सब बढ़िया। हमारे फोन का यूट्यूब बंद हो गया सर। बंद हो गया तो अभी चला देते हैं। लो सर इस टायर में ना हवा कम बता रहा है, हवा भी कर लेते हैं। पता नहीं क्यों कम बता रहा है, उधर तो पूरी दिखा रहा है 34। इसके सेंसर जो है वो उल्टे पुल्टे हैं तो टायर इस वाले में हवा कम है। कॉन्फ़िगरेशन नहीं ना करवाई मैंने क्योंकि सेंसर चेंज होते रहते हैं। अभी मैं आया हूँ यहाँ परेड वाली साइड। क्यों आया हूँ रुको आपको एक मिनट बताता हूँ। क्या हाल चाल है? डिहाइड्रेट हो रहा है, पानी की बोतल साथ में। तो गाइस मोहित आया है, कितने दिन के लिए आया है वो मुझे पता नहीं है, बट आज मैंने कहा एक गाड़ी का शूट करना है तो चलो चलते हैं साथ में। लोकेशन पे जो है वो पहुंच चुके हैं। गाड़ी आपको पता नहीं इतनी दूर से दिख पा रही है नहीं दिख पा रही। सो इस गाड़ी का हमने एक वीडियो जो है वो पहले भी शूट किया हुआ है, बट अब इसमें कुछ चीजें जो है वो काफी ज्यादा बदल दी गई है। तो चलो सीधा लोकेशन पे पहुंचते हैं और बताते हैं आपको। गाड़ी आप जो है हमारे सामने देख रहे हो, बट ये गाड़ी तो आप बहुत बार देखते रहते हो। जो गाड़ी आपको दिखाने वाली है ना वो है भाई साहब ये, और गाड़ी के ओनर हमारे साथ हैं आदित्य भाई। आदित्य भाई क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो हर बार के साथ आदित्य भाई ने जब भी आना है ना तो एक अलग ही चीज के साथ आना है। तो ये गाड़ी जो है ये आप हमारे चैनल पे पहले भी देख चुके हो, उसकी क्लिप्स जो है वो आप बीच में देख रहे हो, बम्पर देख रहे हो आप, ये चीज पूरी कट हुई है। टायर देखो कितना लो प्रोफाइल है, यहाँ पे स्पीकर का साइज भी देख रहे हो, और ये मेरे को डिजाइन भी कुछ अच्छा लगा। जैसे तो उस टाइम जो है इसमें डले हुए थे 26 इंच के एस डिजाइन कहते हैं उसको, हाँ स्नेक डिजाइन वाले अलॉयज। और उस टाइम जो ये गाड़ी उस टाइम बनी हुई थी टोटली जो है गेड़ी के पर्पज से, बट अभी अगर आप इस गाड़ी की लुक्स देख रहे हो तो अभी ये लग रही है एक ऑफ रोड मोस्टर। बाकी गाड़ी में क्या क्या चीज खास है वो सारी आपको हम खुद बताएंगे। तो बेसिकली ये है स्कॉर्पियो क्लासिक S11 और 2023 मॉडल ही है। तो अभी आदित्य भाई ना हमें खुद ही बताते जाएंगे, सारा ही बता देते हैं, बिकॉज पिछली वीडियोस में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो उस टाइम भी मॉडिफाई करवाई गई थी, बट क्या हो सकता है बहुत से लोग अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो उन सब के लिए बता दें कि क्या क्या चीज जो है डिटेल में मॉडिफाइड है। सो गाइस स्कॉर्पियो का रिव्यू तो हम शूट कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से मैं अपने डीजल पेट्रोल के जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो मैनेज करता हूं बायनोमो ऐप की हेल्प से, और किस तरह से आप भी वो कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने फोन में बायनोमो ऐप को डाउनलोड करना है और उसे ओपन कर लेना है, और ओपन करते ही आपको दिखेगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। यहाँ पे आपको रियल अकाउंट मिलता है और डेमो अकाउंट मिलता है ताकि आप ट्रेडिंग करना सीख सकें। तो हम ट्रेड करेंगे अपने रियल अकाउंट के साथ, और इसमें आपको सिंपली प्रिडिक्ट करना होता है कि ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे। चलिए अभी थोड़ा सा वेट करेंगे और ग्राफ को एनालाइज करेंगे और फिर ट्रेड शुरू करेंगे। सो गाइस मुझे लग रहा है कि ग्राफ जाने वाला है ऊपर, तो हम अब से जो है वो ट्रेड ले रहे हैं। तो चलिए अब वेट करते हैं। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अर्न कर लिए 14,800 रुपीज। तो यहाँ पे डिपॉजिट करना भी काफी इजी है, आप डिपॉजिट पे सिंपली क्लिक करेंगे तो UPI, Paytm, फोन पे, गूगल पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। प्लस उसके बाद अगर हम यहाँ पे और फीचर्स की बात कर लें, रेगुलर टूर्नामेंट्स, तो यहाँ पे आपको जो है हेल्प सेंटर चैट हेल्प आपको जो है ब्रोमो के साथ साथ में मिलेगी, मतलब 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक और खास फीचर ऐड किया गया है और वो है इनवाइट अ फ्रेंड, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ये जो इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन है इस पे अगर आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट करेंगे तो ये आप देख सकते हो, अट्रैक्ट न्यू ट्रेडर्स टू द प्लेटफॉर्म एंड गेट 10-20% फॉर वन, मतलब आप को एक फ्रेंड को इनवाइट करने पे $10-20 हैं जो वो मिलने वाले हैं। तो ये जिनोमो का एक नया ऑफर है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो है आपको लिंक मिल रहा है, तो जल्दी से जाओ और जाके रजिस्टर करो और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करो। एंड मेरा प्रोमो कोड स्मॉल टाउन राइडर यूज करना मत भूलिएगा, उसे यूज करने पे आपको मिलेंगे आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे स्पेशल बोनसेस। सबसे पहले तो ग्रिल आप देख रहे हो, RS ग्रिल बोलते हैं इसको, तो वैसे काफी गाड़ियों की आती है, स्कॉर्पियो की भी आई है। ये वाइजर है क्योंकि अपना लगाया है मैंने, ये इसमें आता नहीं है। ओके ओके, लाइट चेंज है, ठीक है। ये पूरा मैंने डी क्रोम करवाया सारा फ्रंट से, काफी ज्यादा इसमें आपको क्रोम का एलिमेंट भी मिलता है, बट अभी पूरी काली कर दी है साइड से भी आप देखोगे डी क्रोम में पूरी किसी भी एंगल से। अच्छा छोटी छोटी चीजें भी हैं, जैसे मुझे लगता है यहाँ पे इन पट्टियों में भी क्रोम दिखता है, ये भी ब्लैक होता है, हाँ। ये भी सिल्वर आता है, ये भी सिल्वर आता है, फुल ब्लैक कर दिए। और सबसे जो खास चीज गाड़ी में है वो तो है हमारे अलॉयज ही, तो आदित्य भाई खुद ही इन अलॉयज के बारे में बताएंगे। मतलब ये गुड्डे देख के दिल खुश सा हो जाता है। आदित्य भाई बताओ क्या स्पेसिफिकेशन है? ये RT टायर है, 20x12J का इनका साइज है रिम। और ये गाड़ी जब मैंने फिट करवाई थी आप मानोगे पंजाब वाले हमसे बहुत आगे है मॉडिफिकेशन, बट वो
वो लोग भी जब गाड़ी देख के खुश हुए थे कि हमने पहली बार ऐसी गाड़ी देखी। ये मतलब क्लासिक जो गाड़ी है पहली तैयार हुई है इंडिया की इस अलॉयस के साथ। स्नेक डिजाइन भी जम्मू में पहले मैं ही लेके आया था 26 इंच, वो भी पहली मेरी गाड़ी थी, उसके बाद आई है अभी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात कर ले तो काफी मतलब ऐसे आप रील में शायद देखो तो आपको उतना ना पता चले, बट डुअल टोन है ये। यहाँ पे आप जो है सिल्वर इसकी टोन देख सकते हो, ब्लैक की शेड प्रेस्टीज का बीच में आपको लोगो मिल रहा है। और बाकी टायर अगर हम बात कर ले तो ये जो आरटी टायर है आपने आदित्य भाई ने आपको बता दिया, एंड 33 इंच का टायर। अगर हम टायर साइज की बात कर ले 33 इंच का जो है टायर यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो मतलब ये चीज गाड़ी की लुक्स को जो है काफी ज्यादा एनहांस कर देती है। और उसके बाद अगर आप फ्रंट से देखो, गाड़ी से देखो बॉडी से बाहर कितना है, तो फिर वॉशिंग का महीना ही किया होगा मुझे लगता है। अभी करवा के आया होगा, दिल्ली की होती है। इतने बड़े टायर के साथ गाड़ी की बॉडी जो है वो काफी ज्यादा गंदी होगी। एंड उसके बाद ये लाइट्स जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये है ओरिजिनल GR लाइट्स। इस तरह की डिजाइन में आपको बहुत सी लाइट्स मिल जाती होंगी, ठीक है, बट वो सारी क्या है कॉपी आती है। तो ये जो है ये ओरिजिनल GR लाइट्स है, यहाँ पे आप इसका लोगो वगैरह देख सकते हो। आदित्य भाई कॉस्ट बताओ। कॉस्ट आपको पता ही है, ये की वर्थ इट है, वर्थ है इसकी लाइट का। बंदा ये नहीं बोल सकते एक्सपेंसिव है, बट जितना इसका रेट है उससे ज्यादा ही लाइट देती है। तो ये खाली दो ऑन कर दो, बाकी ऑन जरूरत ही नहीं है मेरे को। देखो सबसे मेन चीज ये है कि भाई ब्रांड तो ब्रांड ही है ना, आगे में कुछ है और? आगे में तो फिलहाल कुछ नहीं है, कार्बन फाइबर करवाया, ये भी साइड से साइड मिरर, ये भी ग्लॉसी आता है। बाकी आप पीछे देखो, पीछे की लुक्स मतलब स्कॉर्पियो में आपको जो चीज नहीं देखने को मिलेगी वो है इसकी टेल लाइट्स। मतलब मैं पहली स्कॉर्पियो देख रहा हूँ जिसकी टेल लाइट्स चेंज है। आपने रील में देखा होगा मेरी ये फर्स्ट इन जम्मू मेरी है, ये लाइट बड़ा से रेड शीशे वाली भी आती है, इसमें साइड मिरर होता है रेड, बट वो क्या इतनी लुक नहीं दे पाता है, ठीक है, मतलब पता नहीं चलेगा कि लाइट चेंज है, ऑन करोगे तभी पता चलेगा। इसका ये है कि पूरी डेफिनेशन देता है लाइट। हाँ मतलब आपने एक बार डिजाइन देखो, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई कस्टम लाइट डलवा दी तो कुछ भी कस्टम है, एक बार पूरा जो है ना आपको जला के दिखाते हैं, ठीक है। ये आगे इसकी ब्रेक लाइट, ओके, रिवर्स, और एक बार पूरी बंद कर दो, जैसे पूरी लाइट ही बंद कर दो, ओके। अब जब ऑन करोगे इसका काफी अच्छा। हाँ ये देख सकते हो आप, क्या बात है, ये तो मतलब मजेदार चीज है ना। तो बेसिकली एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे आदित्य भाई की गाड़ी ना जिस दिन उन्होंने अलार्म टायर डाले ना तो मैंने इनकी इंस्टाग्राम पे रील देखी, मैंने उसी दिन इनको ना कॉल किया, मैंने कहा आदित्य भाई वीडियो बनानी है, कब बनाए, कह रहे नहीं अभी नहीं बनानी, अभी मेरी कुछ चीजें पेंडिंग है, और उसमें एक ये टेल लाइट पेंडिंग थी और GR पेंडिंग थी, अभी सारा हो गया ना, अब हो गया सब। तो चलिए ये है मतलब, पर बहुत मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही प्यारी लग रही है। और आप लोगों को ये टेल लाइट कैसी लग रही है बता दीजिए, मतलब वैसे ही स्कॉर्पियो जो है हमारी माफिया गाड़ी है, बट जैसे ही इन्होंने बना दी ना अब तो सच की माफिया है। बाकी यहाँ पे ये गाड़ी का नाम है, गाड़ी का नाम भी समझ लो आप, अपना भी समझ लो। और ये आदित्य भाई की जो है आईडी भी आपको इंस्टाग्राम की दिख रही है, तो जाके इनको भी जरूर फॉलो कीजिए। एक्सटीरियर में हमने पूरी गाड़ी जो है वो कवर कर दी है, पहले इंटीरियर पे चलें कि सिस्टम पे चलें, जैसा आपको ठीक लगे भाई साहब, क्योंकि जो असली बवाल है ना वो सिस्टम ही है। तो एक बार पहले इंटीरियर पे चलते हैं फिर सिस्टम पे आते हैं। जैसे ही हम गाड़ी के अंदर आ जाए ना तो एक तो ये जो है सारा जो है इन्होंने ब्लैक कर दिया हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली किस में आता है, इस कलर में आता होगा व्हाइट में, हाँ ये इस कलर में आता है। हाँ तो ये जो है पूरा का पूरा रूफ जो है वेलवेट कर दिया है, हाँ फ्रंट पिलर भी कर दिया वेलवेट जो, ओके ओके, यहाँ से वो वाला पास में दिखेगा ये, ठीक है, पूरा का पूरा वेलवेट। हालांकि लाइटिंग से शायद आपको उतना पता चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, बट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्लस उसके बाद जो ये चीज मुझे दिख रही है ना आदित्य भाई, कहीं ऐसे कुछ हाथ तो दिखाओ आदित्य भाई का, हाथ तो देखो ठीक लग रहा है, मजाक कर रहे हैं, पर मजेदार चीज है। और क्या इंटीरियर में, और बाकी लाइट्स हुई हुई है, अच्छा वो एम्बिएंट लाइट्स से नीचे, ये देखो मैं रॉक लाइट्स भी थी, वो बाहर से पता बोल के टायर जो रॉक लाइट्स भी लगवाई है मैंने, अच्छा रॉक लाइट्स भी लगी हुई है। तो ये सारी लाइटिंग का तो क्या है कि रात को ही ज्यादा जो फील है हमें वो पता चलता है, तो लगभग यही है। तो अब चलते हैं जो असली बम है ना, एटम बम, एटम से भी ऊपर आता है हाइड्रोजन, खतरनाक कौन सा है वो दिखाते हैं आपको क्या है इस गाड़ी में। तो असली जो बातचीत है ना, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि अपनी शादी का जो सिस्टम का जिम्मा है ना वो हम आदित्य भाई की गाड़ी में ही करेंगे, क्योंकि बारात में हमें सिस्टम चाहिए, बजेगा इसी गाड़ी में। तो बता दो आदित्य भाई क्या क्या है, पिछली बारी से चेंज कर दिया, पूरा चेंज कर दिया पिछली बार, जैसे सब फुल अभी हैमरटेक के हैं, ठीक है, इम्पोर्टेड है सारे, बाहर सनडाउन ऑडियो का ब्रांड है ये हैमरटेक, ठीक है, ये मैंने दो लगवाए हैं, मोनो लगे हैं दो, हैमरटेक के लगे आगे, ठीक है, सबसे अलग बैटरी रन कर रही है। सबसे तो मेरे को सही चीज लगी कि सिस्टम चलाने के लिए, सिर्फ सिस्टम चलाने के लिए एक्स्ट्रा बैटरी लगाएगी ये, भाई साहब इतना बड़ा बक्सा है तो इसको गाड़ी की पावर बैटरी से तो पावर दे नहीं सकते ना, तो इसके लिए जो है ये वाली बैटरी इंस्टॉल की गई है। बाकी एम्प वगैरह, क्योंकि मेरे को थोड़ा सिस्टम का उतना पता नहीं रहता है कि भाई कैसे होता है क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जो
कंपनी बैटरी आती है वो इतना लोड उठा नहीं पाती, मतलब इनको डायरेक्ट पावर नहीं मिलती जितनी इनको चाहिए वूफर्स को। ओके, क्योंकि ये मैंने लगाई 150 एम्पीयर की अलग बैटरी है ये, इससे सिस्टम जिससे क्या कि फुल पावर इसको मिलती है और इनसे ये डैमेज भी नहीं होते हैं। ऐसे लोग बेसिकली यूज करते हैं कंपनी के बैटरी, उससे क्या वूफर्स बड़े सड़ जाते हैं लोगों के, वो ज्यादा देर चलाएंगे उससे पावर पूरी नहीं मिलेगी, वूफर की कॉइल सड़ जाती है। इसलिए मैंने पूरा जो सिस्टम अलग ही बैटरी पर रन कर रहा सारा, जिससे क्या ना बैटरी को गाड़ी की कोई हार्म होगा ना कुछ। नोट करो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती लोगों की बड़ी देर के बाद ना, बैटरी डाउन हो जाती है, उसकी रीजन ही यही है। इसलिए इसके लिए अलग रहना है पूरा कि जितना लोड है ये उठा रही है सिस्टम का। ओके ओके, तो यही है सिस्टम का सारा तामझाम। एक ये बाकी छोटे मोटे ट्विटर वगैरह तो लगे ही हैं, एम्प एक यहाँ पे लगा है, एक उस साइड पे लगा हुआ है, आगे को लगे दो। अच्छा आगे को भी लगे हैं, ये भी दो हेमाटेक के लगे हुए हैं, ये मोनो है। आपने सिस्टम तो क्या है देख लिया है, अब सिस्टम सुनने की बारी है। और कुछ भाई लोग सोच रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है जी, ठीक हो, गाड़ी बढ़िया है, अभी सिस्टम भी सुनेंगे। तो भी क्या है कि आपको बता तो दिया, अब ये बजता कैसा है, बिकॉज क्या है कि कैमरा तो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, बट हमारे पास रिव्यू देने के लिए भाई लोग हैं तो वो हमें बताएंगे कि कैसा बजता है। तो भाई साहब अभी भाइयों से पूछेंगे कैसा सिस्टम। बहुत बढ़िया, बढ़िया ना, मतलब हम सबके क्या है बाल छोटे हैं, लेकिन कभी जैसे आपने उसमें देखा हो ना ऐसे किसी हमने फॉरेन की वीडियो में, वो लड़कियों के बाल पूरे ऐसे उड़ते हैं, तो वो वाला सीन हो जाए इधर। हाँ जीते भाई, तो यही कुछ है। तो बाकी काफी मजेदार गाड़ी है मतलब, और पूरी गाड़ी जो है वो शौक के हिसाब से ही बनी हुई है। कितना पैसा इन चीजों पे लगता है वो कभी भी मायने नहीं रखता, बिकॉज शौक से ऊपर कुछ नहीं है। तो आई थिंक एक पूरा ओवरऑल रिव्यू जो है हमने आपको इस गाड़ी का दिया है, और उम्मीद करते हैं वो रिव्यू आपको अच्छा भी लगा होगा। तो बाकी वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स हमारे आदित्य भाई, हमेशा अच्छी अच्छी चीजें हमारे लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल का नाम है स्मॉल टाउन राइडर, ठीक है, चेक करना अभी। अभी एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये गाड़ी साइज में कितनी बड़ी है, अपनी थार इसके साथ में खड़ी करेंगे और आपको पता चलेगा कि भाई असल साइज डिफरेंस क्या है। शूट करो कह रहे हैं ऐसी गाड़ी। यहाँ से जो है आप साइज डिफरेंस देख सकते हो, मतलब थार तो इसके सामने बच्ची सी लग रही है। और अभी लिफ्ट है ये ना, लिफ्ट तो लास्ट टाइम ही करवा दी थी, कितनी 2 इंच की है, 2 इंच, हाँ 2 इंच की लिफ्ट है। तो सिर्फ साथ खड़े करने का रीजन ये था कि आप दोनों गाड़ियों को जो है गाड़ियों का जो है साइज वो चेक कर सको। अब एक और मेन चीज, हालांकि हमारी स्कॉर्पियो जो है ये 4x2 है, बट क्या है कि एम्प्टी टायर डले हुए हैं, और आदित्य भाई ने भी कहा कि थोड़ा बहुत जो है इसके साथ ऑफ रोड अटेम्प्ट करते हैं, मतलब कुछ वैसा एक्सट्रीम नहीं करेंगे बिकॉज ओपन डी 4x2 गाड़ी है, बट आप लोगों के फन के लिए थोड़ा सा कुछ ट्राई करेंगे। तो जी अभी ऑफ रोड टेस्ट के लिए हमने एक छोटी सी लोकेशन देख ली है, तो आदित्य भाई जो है गाड़ी लेकर आ रहे हैं। कितनी लिफ्ट गाड़ी, इतने बड़े टायर, क्या ही दिक्कत होगी मतलब क्या ही दिक्कत होगी। मैं तो पता नहीं क्या सोच रहा हूँ, पता नहीं दिक्कत है कि ये, और आर्टिकुलेशन भी काफ़ी बढ़िया सी है। इसके लिए तो मजाक है, इसको तो कुछ थोड़ा सा गाड़ी को हमें टफ देना पड़ेगा। तो गाइज अभी का मसला ये है, ऑब्स्टेकल थोड़ा सा ट्रिकी है, मेरा पटा जो है वो टूट गया था पतनी टॉप में, तो अगर हमारी गाड़ी फंसेगी तो हमारे पास रिकवर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए पहले हम थार से अटैम्प्ट करेंगे, अगर थार का अटैम्प्ट सक्सेसफुल जाता है जस्ट स्ट्रगल देख के हमें पता चल जाएगा। बाकी जहां तक मुझे लगता है स्कॉर्पियो निकल तो जाएगी, बट जस्ट टू मेक श्योर हम पहले थार को डाल रहे हैं, तो इससे करते हैं और फिर बताते हैं आपको। आपने देखा कि थार ने काफी ईज से, बिकॉज जब हमने हाइलक्स और इसुजू से ट्राई किया था तब ये थोड़ा सा टफ हमें लगा था, बट थार ने एमएलडी के हेल्प से थोड़ा सा माइनर सा स्ट्रगल करा, बट एमएलडी के हेल्प से क्लिक कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि जब स्कॉर्पियो से ऑब्स्टेकल से आती है तो उसे कितना स्ट्रगल होता है, और एम्प्टी टायर लिफ्ट का बड़े टायरों का क्या प्लस पड़ता है, वो सारी चीजें हम नोटिस करेंगे। और पीछे काफी सारे क्यूरियस लोग हैं, आप इनको कैमरे में दिखाओ, ठीक है, दे आर वेरी हैप्पी कि समथिंग इज गोइंग ऑन हियर।
चलिए जी, गाड़ी तो अभी आ रही है। ओ भाई ओके ओके, ना ना पीछे करो, और ओपन डिफ गाड़ी के साथ ये ऑब्स्टेकल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ जो हमें प्लस मिला है वो है इसकी लिफ्ट और इसके टायर की वजह से। तो आदित्य भाई से एक बार उनका एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं। आदित्य भाई, आपको लगा कि स्मॉल टायर राइड में गाड़ी फंसा दी आज है? तो बस ये है, बाकी अब हम नेक्स्ट आदित्य भाई से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी उनकी डिफेंडर या जो भी आएगी, हमें अब नेक्स्ट 4x4 गाड़ी ही चाहिए, ठीक है आदित्य भाई? और क्योंकि हम भी कुछ अलग तड़कता फड़कता देखना चाहते हैं। एक मैंने ना इनकी रील में फॉर्च्यूनर भी देखी है, फॉर्च्यूनर भी है ना, तो नेक्स्ट रिव्यू आपको उस गाड़ी पे भी देंगे बहुत जल्दी। तो टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी हमने आपको करके दिखा दिया है। तो आई थिंक अब जो ये वीडियो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एंड थैंक यू सो मच आदित्य भाई, और बाकी प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।